भाई साहब, अब आप यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हो तो बच्चे क्या माहौल रहता है बच्चों का? बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी भी आपने अभी देखे होंगे बच्चे, कई बच्चे हैं जो मेडल ला रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई साहब, राजस्थान अभी यहाँ काफी खेलो इंडिया में अच्छा प्रदर्शन कर गया है। एसएमएस स्टेडियम से बहुत अच्छे, अपने जयपुर से बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं। जैसे यहाँ पे मोनिका चौधरी है, अभी आराध्या चोपड़ा है, प्रधान गुजर है, दूसरे दिव्यांशु पुरी है, हिमांग जयसवाल है। तो ये सब जयपुर के ही बच्चे हैं और जयपुर से ही तो अच्छा काफी प्रदर्शन अच्छा दे रहे कर रहे हैं। हैं हाँ, जयपुर काफी का, और अच्छा राजस्थान का नाम नाम, बहुत बहुत ऊपर अच्छा तक ले जा बच्चों का। रहे हाँ हैं जी, सब। तो भाई साहब, यहाँ आप जो बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो बच्चे आपको कभी भी आके अपनी वो कमी पूछ सकते हैं या फिर कोई हाँ टाइम जी, हाँ लिमिट जी, है? वो तो उसके उसी के लिए तो हमेशा आधी रात को भी अवेलेबल है हम। जरूरी नहीं यही आके पूछना, अगर वो कहीं कहीं भी फोन भी कर लो, बुलाएं कुछ भी हम कर जरूर लो। अवेलेबल होंगे उन बच्चे। भाई साहब, अभी यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हो आप, तो हाँ जी, आपका आइडल कौन है जिसे देख के आपको लगा कि हाँ मेरे को ये जूडो करना चाहिए एज ए कोच या फिर एज ए जूडो प्लेयर, जूडो में जाना चाहिए? आइडल हम जब खेलते थे उस वक्त हमारे साथ ही खेला करते थे, नवजोत चन्ना जी, नवजोत चन्ना भैया हैं, वो हैं अपने पंजाब पुलिस में, अभी हाँ इंस्पेक्टर की रैंक पे हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ अच्छा, गेम्स में ग्लासगो कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे हैं, और इतने टेक्निकल थे कि हम उनसे बहुत इंस्पायर थे। अच्छा इतना भाई, बड़ा प्लेयर और इतना डाउन टू अर्थ, तो वही मेरे वही आइडियल आपकी थे। हाँ जी, इंस्पिरेशन वही है। मेरे अच्छा, आइडियल थे और बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो आपकी फेवरेट टेक्निक जो उनसे सीखने को मिली या फिर आपको अलग से सीखी वो कौन सी थी? टेक्निक एक्चुअल में क्या, आइडल थे वो, मैं उनके बाद कभी प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने प्रैक्टिस शुरू से यहीं एसएमएस स्टेडियम में ही करी है, क्योंकि मैं मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी जूडो की, वो एसएमएस स्टेडियम से ही हुई थी। मैंने आपको बताया भी था कि हाँ वो फुटबॉल ग्राउंड में आके मैं पूरा दिन बैठा रहा था, शर्मा ने सिर्फ कोच से, शर्म के मारे कोच से बात नहीं करी थी मैंने, बारिश में भीगता रहा था। फिर अगले दिन आके मुझे मेरे अंकल ने कोच से बात करवाई और फिर मुझे एंट्री मतलब आप कराई, यहाँ आके बैठ गए बैठ कोच से गया, बात मुझे नहीं बोला करी? बात कर लेना, मैं हाँ चुपचाप बैठा रहा। मैं गांव से आया था, गांव का बच्चा था, बिल्कुल एकदम शर्मीला था, तो मेरे हाँ को शर्म आ रही थी। मैं बाहर बारिश में ही भीगता रहा, छोटा ब्रदर मेरा अंदर चले गया, वो प्रैक्टिस कर रहा था, मैं बाहर ही बैठा रहा। फिर अगले हाँ दिन मामा ने घर जाके पूछा, तो हो गई बात? मैंने कहा मैं नहीं गया, मेरे को शर्म आती है। फिर उन्होंने अगले दिन आके, उन्होंने अंकल ने वहाँ मुझे एडमिशन करवाया, फिर उससे उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जूडो में। तो एज ए जूडो प्लेयर आपकी कौन सी बढ़िया सबसे फेवरेट टेक्निक थी? एज ए जूडो प्लेयर मेरी सबसे बढ़िया टेक्निक थी ओगोशी। ओगोशी मारते थे आप? हाँ जी, हिप हिप टेक्निक है। हाँ, हाँ, ये मेरी फेवरेट टेक्निक होती थी। टेक्निक तो तो वो होती है, मतलब जिसकी चीज की आपने प्रैक्टिस कर ली, एक कहावत होती है ना, करत करत अभ्यास गए जड़ मति होत सुजान। तो वह अगर हम किसी एक चीज पे हम लग गए, जैसे मुझे ओगोशी था तो मैं ओगोशी पे लग गया था, तो मेरी अच्छी हो गई थी, बस इतना सही था। अच्छा, तो वैसा अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं कि क्या करना है अभी? फ्यूचर के प्लान्स यही हैं कि अभी बस ये कोचिंग लाइन में अपना बच्चे तैयार करने और ओलंपिक तक लेके जाने। अच्छा भाई साहब, और अब बाकी अब क्या आप किस टाइप से प्रैक्टिस करवा रहे हो बच्चों को, क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या कितना रेस्ट करना चाहिए? बच्चों को कहना, मैम देखिए प्रैक्टिस के हिसाब से, जैसे हमारा शेड्यूल होता है जूडो का कि सब दिन, एक दिन ग्राउंड वर्क होगा, एक दिन स्टैंडिंग होगी, एक दिन टेक्निक होगी, फिर गेम होगा, है हाँ, अलग ना, अलग शेड्यूल अलग होता अलग है, शेड्यूल है, उसी शेड्यूल के हिसाब से। उसी हाँ शेड्यूल के हिसाब से जी, बीच चलता में है। इसमें रेस्ट भी होता है कि आज जैसे 3 दिन हमने, 2 दिन या 3 दिन हमने ज्यादा प्रैक्टिस करवाई, तो फिर बीच में एक टाइम प्रैक्टिस को रेस्ट देना पड़ेगा। फिर जिस जैसे टाइम जैसे प्रैक्टिस को रेस्ट देते उस टाइम क्या करवाते वैसा फिर? प्रैक्टिस को रेस्ट, मतलब प्रॉपर रेस्ट ही होता है, मतलब जैसे सैटरडे, सैटरडे इवनिंग का और संडे का बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट होता है। सैटरडे मॉर्निंग को हम थोड़ा बहुत गेम वगैरह करते हैं, बस सैटरडे इवनिंग में संडे। ऑफ और संडे हाँ, ऑफ। फिर मॉर्निंग, जब मंडे मॉर्निंग में हम वापस से सेशन स्टार्ट करते हैं, तो 2 दिन के रेस्ट के बाद बॉडी को बिल्कुल, मतलब हल्की 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 एक्सरसाइज करते हैं, फिर वापस मतलब हल्के लाइट हल्के से लाइट वो करते हैं, लाइट वर्कआउट। लाइट वर्कआउट करते हैं बिल्कुल। तो वैसे डाइट कितना रेस्ट करना चाहिए एक प्लेयर को, कितनी डाइट लेनी चाहिए वो? अगर कोई प्लेयर बिल्कुल प्रोफेशनल प्लेयर है तो उसको उसके सिर्फ 3 ही काम होते हैं, खाना, खेलना, सोना। खाना, खेलना, सोना। तीन ही काम, हाँ, खाना, तभी खेलना और तभी खिलाड़ी सोना। बन पाएगा। अच्छा, एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करनी जरूरी है? अच्छा,
प्रैक्टिस तो जो होती है 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को होती है, लेकिन आपका तरीका कैसा है वो डिसाइड करता है। तरीका कैसा है आपका, करवाने वाला आपको कैसा करवाने है? वाला कैसा है, कौन करवा रहा है, आप पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, वो उसके ऊपर ज्यादा वो रहता है। वैसे दिन में 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करके खिलाड़ी ऐसा क्या खाता है कि वापस अगले दिन वापस तंदुरुस्त हो जाता है? बॉडी जैसे जूडो प्लेयर है तो उसे अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से 1.7 या 1.8 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। अच्छा, तो अब जैसे जो कोई छोटे बच्चे हैं जो नहीं वो कर पाते तो उनको हम ज्यादा देसी पे ही रखते हैं, जो छोटे बच्चे हैं बिगनर्स हैं उनको देसी पे रखते हैं। फिर जैसे जो बड़े हो जाते हैं जैसे जूनियर लेवल पे हो जाते हैं तो फिर वो सप्लीमेंट्स वगैरह थोड़े प्रोटीन वगैरह लेने पड़ते हैं। स्टेरॉइड वगैरह बिल्कुल हम मना करते हैं इस चीज़ को, स्टेरॉइड वगैरह बिल्कुल ना लिया करें, ये शरीर ही खराब करते हैं। स्टेरॉइड तो एक जानलेवा प्रोटीन वगैरह है हाँ। जो अपनी मसल रिकवरी वगैरह के लिए काम में आते हैं वह वही चीजें हमें यूज करें। लेकिन भाई साहब आजकल प्लेयर बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो उस पे आप कुछ कहना चाहोगे? उसके लिए वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग कर लीजिए, 2-3 साल आप कमाल कर लीजिए, 2-3 साल बाद आप अपना फ्यूचर खराब कर लेंगे। बस 2-3 साल का ही होता है गेम जो स्टेरॉइड होता है, अगर कोई स्टेरॉइड भी खेल रहा तो वो 2-3 साल ज्यादा से ज्यादा। फिर हम अपने बॉडी को अगर इंजेक्शनों से चलाएंगे कितने टाइम चला लेंगे? हाँ वो भी सही है, एक जगह खड्डे हो जाएंगे। हाँ एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी होती है अगर उसमें हम पेट्रोल डाल लिया हमने, अब उसको हम चला गलत तरीके से रहे तो खराब होनी है। अगर उसको प्रॉपर उसको रेस्ट दे दे के चलाएंगे उसमें सिर्फ जो पेट्रोल है पेट्रोल ही डालेंगे, पेट्रोल की जगह पेट्रोल और वो क्या ऑयल की जगह ऑयल डालेंगे तभी चलेगी, ऑयल की जगह पेट्रोल और पेट्रोल की जगह ऑयल डालेंगे तो वो धक्के खाने लग जाएगी थोड़े दिन। ये है आपने ये देखा, ये हरप्रीत भाई साहब की कहानी थी, इन्होंने अपनी लाइफ के कुछ पल हमारे साथ शेयर किए हैं। तो अब आने वाले टाइम में ये भी एक बढ़िया खिलाड़ी तैयार करेंगे, बढ़िया बहुत सारे जूडो के अच्छे प्लेयर तैयार करेंगे, और ये जब इनका कोई स्टूडेंट बढ़िया खेलेगा तो इनके साथ इनके स्टूडेंट का भी हम इंटरव्यू करेंगे, उनकी कहानी आपको दिखाने जरूर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने टाइम निकाला, आपका इम्पोर्टेंट थैंक यू, और हमारे चैनल पे आए। तो आप इनकी कहानी और ये वीडियो पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।